शपथ ले ली है। नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि फिर जिम्मेदारी मिली है उसी को निभाएंगे। हालांकि इस बार बीजेपी नेता सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम नहीं बन पाए। इस बारे में जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो इस सवाल का नीतीश ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया और आगे बढ़ गए। हर बार कुछ न कुछ नयापन आता है। सुशील मोदी सर, बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के अनुसार इस बार नीतीश सरकार के गठन में फेरबदल किए गए हैं। बीते दो दिनों से उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर संशय बना हुआ था। वहीं खुद सुशील मोदी ने एक ट्वीट कर कहा था कि उनसे कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता। सुशील मोदी के इस बयान से कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। बहरहाल अब जब कैबिनेट के सहयोगी ने शपथ ले ली है तो अटकलों पर विराम लग गया है। सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री न बन पाने के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, हमारा गठबंधन है, हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।